please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Imran ki baat aapne kahi, aapne uski unki bahut prashansa ki, magar about how he controlled Pakistani cricket. Jo aadmi 3 shaadiyan 10 bacche kar sakta hai, Pakistan cricket team. Bacche? Cumulative 10 bacche. But aapne Pakistan cricket mein sledging ki bahut interesting baat ki hai. Aapne kaha hai ki hame इंडो पाकिस्तान स्लेजिंग की टेंशन नहीं होती थी, पाकिस्तान प्लेयर्स खुद को ही स्लेज करते हैं. और आपने शोएब अख्तर के बारे में ही कहा, मैंने एक बार वसीम अकरम को पूछा था कि ये शोएब अख्तर को अमेरिकन एक्सेंट कैसे गई, कैसे आ गई, तो उसने कहा पता नहीं, मेरे गया तो आयरलैंड था. तो आपने भी ऐसे कुछ चीज़ें शोएब के बारे में लिखी है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऑन पाकिस्तान स्लेजिंग. एक्चुअली ये गावस्कर ने मुझे बात कही थी जब मैं भारत के लिए खेलने जा रहा था, तो मैंने उनको पूछा था कि वेस्ट इंडीज़ कैसा होता है माहौल जब आप ग्राउंड पे जाते, तो उन्होंने कहा कि बहुत शांति होती है, ज़्यादा बात नहीं करते, वो सिर्फ काम करते अपना. पाकिस्तान कैसे होता है, तो वो आपस में ज़्यादा झगड़े होते हैं उनके, तो स्लेजिंग का टाइम नहीं मिलता ऑपोजिशन को, क्योंकि आपस में ही स्लेजिंग बहुत होती थी. और वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. एक तो इमरान जो लगते हैं एकदम सुआव एंड सोफिस्टिकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड, जो इंग्लिश में बात करते इमरान, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी और उनकी जो वोकैबुलरी थी जो यहाँ पर हम नहीं बात कर सकते, तो वो मैंने बहुत करीब से देखी. और शायद ये उनकी ग्रेटनेस थी कि अगर वो वहाँ रॉयल्टी के साथ भी मिंगल कर सकते, तो यहाँ पर आके इन बच्चों के साथ भी वो उनकी भाषा बोल के एक एक्सेप्टेंस उन्होंने पाया. तो ये चीज़ें बहुत होती थी. इमरान जावेद के बीच बार बार क्वारल्स होते थे, जैसे हस्बैंड और वाइफ थोड़ा सा होता है ना घर में क्वारल्स वैसे. और जैसे बोलना नहीं चाहिए, आजकल डर लगता है अगर फेमिनिज्म इतना बढ़ गया कि जैसे नैगिंग होती है यू नो एक तरफ से, वैसे जावेद मियादाद इमरान को नैग करते थे बार बार कि ये करो वो करो, उस फील्डर को यहाँ लाओ, ये करके. और इमरान एक दो बार सुनते थे और बाद में इतने हैरान होते थे, बोलते कि यार जावेद यार रहने दें, मैं बोल रहा हूँ उसको थर्ड मैन को आगे लाओ. बोले यार एक बार तू कुछ बोलता है, दूसरी बार कुछ और बोलता है, यार तू रहने दे. और फिर उनको भगाते थे थर्ड मैन फाइनल कि दूर रहो मेरे से. तो ये बहुत देखने को मिलता है सर. एक मुझे सवाल मेजरली पूछना है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट और आपने तुलना की है कि कैसे क्रिकेट बदला है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है फील्डिंग के बारे में, कि आप हफ्ते में एक बार फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे. और आज अगर देखा जाए तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, डर लगता होगा ओल्ड खिलाड़ियों को कि विराट कोहली के साथ भागने का मौका अच्छा हुआ नहीं मिला. क्योंकि इंजमाम को देखा है तो इंजमाम के बारे में बोलते थे, मेरे को एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा था, व्हेन यू आर रनिंग विद इंजमाम यू डोंट कॉल यू प्रे. तो वैसे मगर एक ही अच्छा था कि इंजमाम, रणतुंगा, अरविंदा डिसिल्वा, इन लोगों को देख के ऐसा लगता था कि कॉमन इंसान भी क्रिकेट खेल सकता है जी, मगर मोटा इंसान भी खेल सकता. यानी कंट्री को खेलने का शौक भी रख सकता है और खाने का भी शौक रख सकता है दोनों. तो ये मुझे पूछना था कि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट में ये फिटनेस आ गई कि विराट कोहली दो दो साल चिकन करी नहीं खाते, आप ये कर सकते थे जी? एक्चुअली वो मैं कर सकता हूँ, वो अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो यो-यो टेस्ट पे काफ़ी निर्भर होता है, तो ये यो-यो टेस्ट एक बड़ी बैरियर हो गई है. वैसे माहौल हमारे टाइम में होता तो शायद हम लोग वो कर पाते, लेकिन विराट कोहली के साथ भागना मुझे लगता है इवन फिट आदमियों को बहुत मुश्किल हो जाता है. तो सही है, बहुत बदला है क्रिकेट, फिटनेस और एटीट्यूड और भारतीय टीम का एक जो अग्रेशन है, नेवर से डाई अप्रोच, जो हमने लास्ट टेस्ट मैच में देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वैसा हमारे टाइम में नहीं था. जैसे मैंने कहा, जैसे दुकानें होती हैं ना दादर में मंडे क्लोज, वैसे हमारे मंडे ओपन फील्डिंग होती थी, नहीं सिर्फ हफ्ते में एक बार फील्डिंग. तो बहुत क्रिकेट बदला है, बहुत जल्दी से बदला.